Hi students, today we are going to discuss about the problem regarding the geometry. Okay, you can see one of the questions. In triangle ABC, angle A equals to x degree. Okay, angle A equal to x degree, angle B equal to 3x minus 2 degree, angle C equals to angle y degree, and angle C minus B equals to 9 degree. Okay, find the three angles. तो आपको यहाँ पे triangle का तीन एंगल दिया हुआ है, उसको कुछ रिलेशन निकल दिया हुआ है, आपको जो है फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है एंगल को, ठीक है। तो ये दिस इज द एंगल, दिस इज द ट्रायंगल, ओके, हियर इज द ट्रायंगल एंड दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन पुट हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दिस इज द एक्स डिग्री, सो वी कैन राइट हियर दिस इज द एक्स डिग्री, ओके, दिस इज द एक्स डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू व्हाट, 3x minus 2 degree, okay, and the value of c equals to what, y degree, understood now? Then angle c minus b equals to, and one of the things is already given, angle c minus b equals to what, equals to 9 degree. So let me process to solve the question. As we know that the sum of all the angles of triangle is what, 180 degree, so we can add all of the angles. So we will get here, suppose we have what, angle a equals to x degree, angle b equals to 3x minus 2 degree, angle c equals to y degree, and angle c minus b equals to what, 9 degree, okay. So first of all we can write here angle a plus angle B plus angle C, that is what, 180 degree, due to angle sum property of triangle, angle sum property of triangle, ASP, angle sum property, understood na? So what is the value of A? You can see A is x degree, and what is the value of B? You can see here 3x minus 2 degree, okay, and what is the value of C? Here is y degree, and here is 180 degree. Please try to simplify. Here x, 3x, 4x plus y, and here is 180 plus 2, that is the 182 degree. This is the equation number 1. This is the equation number 1. आप देखिए यहाँ पे a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 3x minus 2 है, c का वैल्यू y है, और c minus b का वैल्यू 9 है, ओके। तो तीनों एंगल को हम लोग ऐड करते हैं, एंगल a, b और c, इसका वैल्यू क्या होगा, 180 होगा। a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 3x minus 2 है, और c का वैल्यू क्या, y है, और इसका वैल्यू 180 है। तो x plus 3x कितना हो गया, 4x, और ये हो गया y, और ये minus 2 उधर जाके जाएगा क्या, तो minus 2 plus 180 equals 182, ये क्या हो गया स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं c माइनस b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ c माइनस b इज 9 डिग्री, ओके, यू कैन पुट द वैल्यू c, c का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे क्या है, c का वैल्यू है y, एंड द वैल्यू ऑफ b यू कैन ऑब्जर्व हियर माइनस 3x माइनस 2 डिग्री इक्वल्स टू 9 डिग्री, ओके। सो लेट मी सिंप्लीफाई, हियर इज द माइनस 3x and here is plus y, and minus minus plus, and here is 7 degree, this is the equation number 1। आप यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये y रहा plus में, minus 3x लिख दिए यहाँ पे, minus minus plus, तो plus 2 उधर जाके जाए, मगर RHS में जाएगा, 9 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। अब ये दोनों को आप सबस्ट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे आप एलिमिनेशन से बनाते हैं, आप एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लीजिए, सो वी कैन राइट हियर व्हाट, 4x plus y, 4x plus y equals to what, 182 degree, and the 3 minus 3x plus y degree equals to 7 degree, okay, so here is plus, here is minus, here is minus, तो ये y और y क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये y और ये y क्या होगा, कैंसिल होगा, 4 plus 3, that is the 7x हो जाएगा यहाँ पे, and we can write here 182 minus 7, so we can write here 175। अब यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं x का वैल्यू क्या मिलता है। तो x का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, एंगल x इक्वल्स टू 175 बाय 7, सो 7 टू 14 कैरी 3, 7 5 7 5 जाइए,
35, तो x का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट 25 डिग्री। ओके अब हम लोग x का वैल्यू निकल गया, अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकल जाएगा किसका, y का निकल जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन क्या है 2। अब इक्वेशन 2 में क्या है, ये माइनस 3x, तो माइनस 3 इंटू 25 प्लस क्या होगा y इक्वल्स टू 7 डिग्री। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 7 डिग्री प्लस 75 डिग्री। सो यू कैन राइट हियर व्हाट 75 प्लस 7, सो 7 मींस दिस इज द 82 डिग्री। ओके ये कितना आ गया, y का वैल्यू 82 डिग्री हो गया। और सारा एंगल निकालना है, अब a का वैल्यू निकालना है, b का भी निकालना है और c का भी निकालना है, सारे एंगल का वैल्यू पुट कीजिए और निकालिए कितना आपका वैल्यू होगा। आई थिंक एंगल ए इज एक्स डिग्री, क्योंकि एक्स डिग्री निकल गया इसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंगल ए क्या होगा, हेंस एंगल ए इक्वल्स टू कितना एक्स डिग्री है। एक्स का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर 25, तो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 25। एंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी यू कैन सी हियर 3x माइनस 2 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर 3 इंटू 25 माइनस 2, सो वी विल गेट हियर 75 डिग्री माइनस 2 डिग्री, दैट इज द 73 डिग्री, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन, सॉरी एंगल बी एंड एंगल सी दैट इज द y डिग्री एंड द y इज 82। सो स्टूडेंट यू शुड, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। So I will give one question regarding this topic so that you can solve. This is the homework. Question is in triangle ABC. In triangle ABC, angle C equals to. This is the very important question. ये question जो है CBSE के board में ये जो previous year में आया हुआ था question. ठीक है, तो ये बहुत important question होता है, तो आपको क्या करना है, ये बनाना है ये एंगल ए प्लस बी, और आपको क्या करना है फाइंड द एंगल्स, यहाँ पे क्या करना है फाइंड द एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है सो आपको इसी तरह करके ये बनाना है, और ये जो है इसका इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन का ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ठीक है इसको एक बनाना है, जैसे आप एक वन बनाए उसी तरह आपको ये बनाना। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, क्वाड्रिलेटरल बेस्ड भी बता देते हैं स्टूडेंट्स, ताकि आप जो है क्वाड्रेटर, ये तो ट्रायंगल बेस्ड है, ये क्वाड्रेटर बेस्ड अगर बता देंगे तो वो भी आपका क्वेश्चन का जो है वो समझ में आ जाएगा ये आपको। ठीक है मैं क्वेश्चन और बता देते हैं क्वाड्रेटर का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ज्योमेट्री दैट इज द साइक्लिक बेस्ड ऑन क्वाड्रेटर्स। ओके सो स्टूडेंट यू कैन सी, आप क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, इन साइक्लिक क्वाड्रेटर ए बी सी डी इज गिवन दैट एंगल ए इक्वल्स टू 2x प्लस 4 डिग्री, ओके b equals to y plus 3, c equal to 2y plus 10 and d equals to 4x minus 5। तो आपको एक cyclic quadrilateral जो है आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, ये cyclic quadrilateral है, इसका opposite angle का sum क्या होता है 180 होता है, so angle a plus c equals to 180 होगा और angle b plus d plus equal to क्या होगा 180। ये क्लास 9 की चीज है, आपको ये समझना चाहिए cyclic quadrilateral का concept। तो हम लोग यहाँ पे एक statement लिख देते हैं, we know that opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। Okay, so you can see angle A plus angle C equals to what? Angle A or C क्या opposite है, ये दोनों का सम क्या होगा 180 होगा। सो प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एंगल ए दैट इज द 2x प्लस 4 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट 2y प्लस 10 डिग्री। ओके सो हियर इज द 180 डिग्री, सो 2x प्लस 2y, यहाँ पे दोनों को ऐड तो होगा नहीं, ये अलग अलग टर्म है, इसको लिख देते हैं 2x प्लस 2y और ये 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, 14 को 180 में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 180 में 14 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 164, ओके 164 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 को मान लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 को मान लेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा x प्लस वाई और 2 से इसको हम लोग कटा लेंगे तो कट जाएगा कितना 83 हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग लिख देते हैं स्टेट में x प्लस वाई इक्वल्स टू 164 और ये 164 डिग्री को किससे कटाएंगे 2 से कटाएंगे। ठीक है
ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये टू और टू क्या होगा, कटेगा इससे, तो टू एट ज टू, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 82 डिग्री इक्वल टू इक्वेशन नंबर वन। ओके सो इक्वेशन नंबर क्या हो गया, वन हो गया। फिर से हम इसको समझाते हैं स्टूडेंट्स, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, एंगल ए और सी क्या अपोजिट में है, तो ए और सी को हम लोग कर दिए 180 हो गया। ए का वैल्यू कितना है देखिए, तो 2x प्लस 4 और सी का वैल्यू क्या है 2y प्लस 10, ये इक्वल्स टू क्या 180, 2x प्लस 2y एक जगह निकली है और 10 और 4 कितना होगा 14 होगा, 10 प्लस 4 14 है, 14 को 180 में घटाएंगे तो 164 बचेगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन लेके आप x प्लस वाई और 2 से इसको कटा लिए 164 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 82 आ गया। तो अब हम लोग क्या लेते हैं b प्लस डी, अब दूसरा हम लोग ले रहे हैं b प्लस डी, तो एंगल b प्लस डी क्या हो जाएगा, एंगल b प्लस एंगल d दैट इज द 180, इसका भी रीजन वही होगा, इसका भी रीजन वही होगा, तो एंगल b का वैल्यू कितना है y प्लस 3 डिग्री प्लस d का वैल्यू कितना है 4x माइनस 5 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x प्लस वाई और ये क्या होगा 3 में 5 जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 इधर आके आएगा प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 182 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 180 में 14 घटाएंगे तो एक मिनट, एक क्वेश्चन जो है ये होगा और ये हियर इज द 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री, और यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे फिर से इसको, ये 2x प्लस 4 10 में 4 अगर जाएगा यहाँ पे एक जगह थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा, यहाँ पे 166 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 180 में 4 जाएगा यहाँ पे 166 होगा और ये 166 हो जाएगा यहाँ पे, 166 का यहाँ पे हो जाएगा कितना 83 और ये हो जाएगा 83 डिग्री हो जाएगा। ओके सो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा 83 और 4x प्लस y इक्वल्स टू 182 डिग्री है, तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए आप, तो पहला इक्वेशन क्या है आपका x प्लस y इक्वल्स टू 83 डिग्री एंड द सेकेंड इक्वेशन इज बट 4x प्लस y दैट इज 182 डिग्री। अब इसको हम लोग सब्सटेंट करेंगे क्या होगा, ये माइनस 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 ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x में माइनस 4 x को सब्सटेंट करेंगे तो होगा माइनस 3x एंड हियर आई थिंक वी विल गेट हियर माइनस 99। ओके यहाँ पे माइनस 99 हो जाएगा और ये माइनस 99 को हम लोग यहाँ पे कटा लेते हैं, यहाँ पे ये माइनस और माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, सो एक्स डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स डिग्री इक्वल्स टू होगा 99 बाई 3 दैट इज़ द 33 डिग्री, और 33 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन में बैठा लेते हैं, कौन सा इक्वेशन ये, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू है 83, सो 83 है यहाँ पे x का वैल्यू 33 है, सो 33 प्लस वाई इक्वल्स टू 83 डिग्री, सो y इक्वल्स टू 83 डिग्री माइनस 33 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर 0 8 में 83 मीन्स हियर इज 50 डिग्री, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू वट 50 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ x इज वट 33 डिग्री। आपको आप उसमें सारा एक एंगल का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, सारा एंगल का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा और डी का वैल्यू क्या होगा। ओके ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, एंगल ए का वैल्यू कितना, ए दिया हुआ है कितना 2x प्लस 4, ओके सो एंगल ए इक्वल्स टू 2x प्लस 4 सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू वट, x का वैल्यू कितना है 33, सो 2 इंटू 33 प्लस 4 डिग्री, सो हियर इज द 66 प्लस 4 ये क्या कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ये ए का वैल्यू निकला। अब सी का वैल्यू भी लेते हैं, एक सी इक्वल्स टू क्या होगा 2y प्लस 10, सो वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू बट यू कैन सी हियर y इज 50 प्लस 10 डिग्री, सो 50 टू ज 100 प्लस 10 क्या होगा, ये 110 डिग्री होगा, 110 डिग्री। एंगल d इक्वल्स टू क्या होगा, ए सी हो गया, फिर एंगल b निकालते हैं, एंगल b इक्वल्स टू कितना होगा y प्लस 3 डिग्री, सो y का वैल्यू कितना है हम लोग का पास 50 डिग्री है प्लस 3 डिग्री, ये क्या होगा 53 डिग्री, और d का वैल्यू कितना है 4x माइनस 5 डिग्री, सो x का वैल्यू कितना है 4 इंटू x का वैल्यू कितना है 33 माइनस 5, तो ये होगा 3 4 32 ये आ जाएगा, ये होगा 127 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा एंगल का वैल्यू हम आ गया मेरा, ये सारा एंगल का जो वैल्यू आया पहला 70 आया सही है, बी का भी सही 53 है,
53 एकदम से एक्स्ट्रा एक ये राइट है। अब एक क्वेश्चन हम इसमें डाल देते हैं ताकि आप उस क्वेश्चन को बना लो। एक क्वेश्चन हम जो है एक क्वेश्चन इसका होमवर्क डाल देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपको हम होमवर्क डाल देते हैं, वो है क्वेश्चन आपका एंगल ए प्लस टू। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। एंगल ए प्लस टू है 2x माइनस 1 डिग्री एंड बी प्लस टू कितना है, बी इक्वल्स टू है y प्लस 5 और c इक्वल्स टू कितना है, c इक्वल्स टू है 2y प्लस 15 और ये एक्सैक्टली क्वाड्रेटिक है, ठीक है, 2y प्लस 15 और d इक्वल्स टू है 4x माइनस 7। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना। और एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी यहाँ पे क्या है, ए बी सी डी यहाँ पे है साइक्लिक क्वाड्रेटिक, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फाइंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, जैसे भी बताए वैसे ही बनाना है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। का ही सर।